नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। सुबह के 6 बज रहे हैं, आइए नजर डालते हैं छोटी बड़ी खबरों पर। जेडीयू के पूर्व मटिहानी विधायक बोगो सिंह का बड़ा बयान, कहा पार्टी की हार बीजेपी के कारण हुई है, बीजेपी के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, लोजपा का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं। नशे में उत्पाद मचाते दो नशेड़ी गिरफ्तार, दोनों थे सगे भाई, बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कोरजाना से पुलिस ने किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के हसनपुर थाना परिसर में जनता दरबार का किया गया आयोजन, कई मामले की हुई सुनवाई, मौके पर अंचलाधिकारी अनंत चंद्र झा थे मौजूद। अपने बयान से पलटे नौगछिया के जदयू विधायक गोपाल मंडल, कहा आखिरी सांस तक नीतीश के साथ हूं, मीडिया मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर परोसा। भागलपुर के केमिस्ट्री के चर्चित शिक्षक सीवी सिंह उर्फ चंद्रभूषण सिंह ने जहर खाकर दी जान, स्टूडेंट के सामने ईएमआई वाले करते थे ईएमआई को लेकर बेइज्जती। गया के सरैया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में लगा ताला, प्रधानाध्यापक हुए कोरोना पॉजिटिव, सरैया उत्क्रमित उच्च विद्यालय की है घटना। मुजफ्फरपुर के सकरा में बंधन बैंक लूटकांड का हुआ पर्दाफाश, पटना के 90 फीट से 4 बदमाश को किया गया गिरफ्तार, बेगूसराय और समस्तीपुर के रहने वाले थे अपराधी। महिला के साथ छेड़छाड़ करने के विरोध पर युवक ने महिला को पीटा, महिला थाने में दी आवेदन, महिला ने अपने गांव के ही युवक पर जबरन छेड़छाड़ कर लगाया आरोप, नवादा के सिरदला थाना क्षेत्र के खैरा गांव की यह घटना। बिहार में बर्ड फ्लू की आशंका, तेजी से मर रहे हैं कौवा, बेगूसराय के मंझौल में मृत पाया गया कौवा, बर्ड फ्लू की आशंका से सहमे हैं लोग। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, और दिन भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बीटी न्यूज़ बिहार।